साफ कर देते कूलर तो अब तक सब साफ हो जाते। पता है अमेरिका में घर के काम करने के लिए रोबोट आते हैं और भारत में पति। अच्छा मैं कुछ सोच रही थी। क्या? कि आज मैं हरी चूड़ियों के साथ हरी साड़ी पहनूं। तो पहनो, भरी तो तुम हो ही, हरी साड़ी पहन के हरी भरी दिखोगी। सही बताओ ना, आज बहुत मन है मेरा कि हरी साड़ी पहनूं। लेकिन अचानक हरी साड़ी का ख्याल कैसे आ गया? विक्रम जी, सावन का महीना चल रहा है। अरे भाभी आइए, आप तो आज मुझे तेरी जरूरत है लग रही है। क्या लग रही है? मेरा मतलब बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे तेरी जरूरत है लग रही है, नहीं बोले तुम? नहीं बोला नेहा, मैं तारीफ कर रहा था। कूलर भी साफ करते जाओ, अंदर भी रखने हैं। वैसे नेहा जी, आप भी पहनिए ना आज हरी हरी साड़ी। गुरुजी अभी ये मुझसे यही पूछ रही थी, क्या हरी साड़ी पहनूं या नहीं। हाँ वो तो सुना मैंने। परमिशन नहीं मांग रही थी, बोल रही थी कि आज हरी साड़ी पहनने का मन कर रहा है मेरा। हाँ वही बोल रही थी, तो पहनो मन कर रहा है तो। और तुम क्यों परमिशन मांगोगी मुझसे, वो तो मैं मांगता हूँ तुमसे। तुम तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो मेरा, तुम जब OTP देती हो तब जाके आगे का काम करता हूँ मैं। अरे होने वाले साड़ू भाई बॉबी जी हैं, आइए ना अंदर। देखिए आज ना मैं आपका होने वाला साड़ू हूँ ना ही बॉबी हूँ। अच्छा, इसलिए मुझसे ऐसे बात कीजिए जैसे किसी भी नए आदमी के दरवाजे पे आने पे करते हैं। ओ भिखारी, सुबह सुबह आ गया आटा लेने, भगवान ने इतने अच्छे हाथ पांव दिए हैं, कुछ काम वाम किया कर। कैसी बात कर रहे हो, जानते हो मेरे चाचा की लड़की टीना के होने वाले हस्बैंड हैं, फिर भी। अरे तो उन्होंने ही बोला ना, सुना नहीं तुमने कि ऐसे बात करो जैसे दरवाजे पे कोई नया आदमी आता है। देखिए वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आज मैं बिजली विभाग की तरफ से ऑफिशियली ड्यूटी पे आया हूँ। ड्यूटी पे? कैसी ड्यूटी पे, वो भी हमारे घर में? जिस दिन ये आए नहीं थे हमारे घर की लाइट खराब हो गई थी, शायद लाइट सुधारने आए होंगे, पर हमने तो हमारे घर की लाइट ठीक करा ली है। भाई हटना सामने से। अरे बबलू भाई। मनोज जी आज वो बिजली विभाग के बाबू बन के आए हैं। मैं आपका मीटर चेक करने आया हूँ, हमें शिकायत मिली है कि आपने अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ की है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं दीदी, जो बात है वो बात है, मीटर से छेड़छाड़ की शिकायत मिली है हमें। देखिए ऐसा है कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, अगर हमें छेड़छाड़ करनी होगी तो मीटर से क्यों करेंगे, क्यों भूरी भाभी। हाँ सही बात है। अरे अरे नहीं दीदी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है मनोज जी, बिजली विभाग के बाबू को जरा हमारा मीटर दिखा दीजिए, तसल्ली कर लें। हाँ ठीक है, चलो बे। चलिए ना मीटर दिखाते हैं हम आपको। बताओ ना पहन लूँ मैं आज हरी साड़ी? पहन लो ना भाई, एक तो कहती हो तुमसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ, फिर पूछ भी रही हो। कैसी लगूंगी पहले ये बताओ। रिस्क है बताने में, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है फिर, जब पहन के आऊंगी तब बताना। जब पहन के आओगी तब तो देखने में रिस्क है। भूरी जी आइए ना। आती हूँ। अभी एक ही कूलर नहीं हुआ, 3 बजे।
विक्रम भाई, इसने मीटर देख लिया है। हो गई तसल्ली? वो तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। मनोज जी, ये होने वाले साड़ू भाई तो होने वाली धमकी देके गए। हमारा मीटर भी देखा है इसने, कहीं फंसा ना दे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना कैसा। ये क्या है, लाल रंग की साड़ी? हाँ, क्यों? नहीं, तुम बोल रही थी ना हरी साड़ी पहननी है, सावन चल रहा है, लाल क्यों पहनना? हरी साड़ी पहननी है लेकिन वो बाजार से लानी पड़ेगी, है नहीं मेरे पास। क्या समझा नहीं, मैं फिर से बताओ। मैं भूरी जी के साथ बाजार जा रही हूँ हरी साड़ी लेने। तुम्हारा पर्स पैंट में ही रख दिया है वापस। कितने लिए हैं? अरे तुम्हारे पैसे लेके नहीं जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारा एटीएम ले लिया है। तेईस चौबीस यही है ना एटीएम का पिन कोड? आज कूलर साफ हो ना हो, एटीएम साफ हो जाए।